आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले देखो जीरोज और फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि जीरोज होगा पॉलिनोमियल्स के लिए, जीरोज का मतलब शून्यक हो गया, द्विघात बहुपद के लिए शून्यक हो जाएगा। फिर उसके बाद रूट्स हो जाएगा इक्वेशन के लिए, यानी कि मूल हो जाएगा समीकरण के लिए। तो आइए आप ध्यान दो, टॉपिक पे आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण का सामान्य रूप, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर जीरो में इक्वल डाल देंगे तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन को जीरो से इक्वेट करेंगे। अगर जीरो नहीं है तो क्या होगा, पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। और जीरो से इक्वेट कर देंगे तो समीकरण कहलाएगा। और ए इक्वल नॉट जीरो, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए बी सी क्या होगा वास्तविक संख्या होगा रियल नंबर, और एन बिलोंग्स टू होल नंबर, एन का मतलब डिग्री हो जाएगा, ये कहलाएगा डिग्री, एन का मतलब डिग्री हो जाएगा। और इस पर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, इस प्रकार से पूछा जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, बोला कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल नॉट जीरो, इक्वल जीरो, ए इक्वल नॉट जीरो, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, फिर उसके बाद एन बिलोंग्स टू होल नंबर। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करना है, अगर ये तीनों चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो द्विघात समीकरण है। सबसे पहले इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करके इस फॉर्म में लाना है। अगर इस फॉर्म में आ गया तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो पहला चेक करो, x प्लस वन का होल स्क्वायर है टू इंटू एक्स माइनस थ्री, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स इक्वल टू एक्स माइनस सिक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स, टू एक्स के इधर ला दो, प्लस सिक्स इक्वल जीरो, यानी कि एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद प्लस सेवन इक्वल जीरो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में आ गया ना भाई। पहला क्या है, वन और सिक्स बिलोंग्स, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब कोफिशिएंट क्या है, रियल नंबर है। और उसके बाद एन बिलोंग्स टू होल नंबर, मतलब इसका डिग्री जो है होल नंबर है, पूर्ण संख्या है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद सेकेंड नंबर है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स प्लस वन, इसको चेक करो ये है कि नहीं, बटा में दिख रहा है कि नहीं। पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम ले लो, एक्स क्यूब हो जाएगा फिर प्लस वन इक्वल वन है, क्रॉस मल्टीपल कर दो, एक्स क्यूब प्लस वन इक्वल एक्स, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन इक्वल जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है, क्योंकि इसमें पहला पावर क्या आ गया, पहला डिग्री थ्री है, यानी कि त्रिघात समीकरण हो गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं है। फिर उसके बाद इसको चेक करो, तीसरा नंबर को एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू है, फिर इसका एलसीएम ले लो, एक्स टू द पावर फोर फिर प्लस वन इक्वल टू, एक्स टू द पावर फोर प्लस वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखो पहला पावर कितना आ गया, फोर है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। पहला पावर कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए, या फिर जो भी पावर आए, जो भी डिग्री आए, दो से छोटा ही होना चाहिए। फिर उसके बाद इसको चेक करो, ये है कि नहीं है, नहीं है, लीनियर इक्वेशन है, इसका पावर डिग्री कितना है, वन है, ये भी नहीं है। इसको चेक करो, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स इक्वल एट, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल एट एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस वन इक्वल जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में आया कि नहीं आया, इस रूप में, तो इसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इतना सारा एग्जांपल से तो क्लियर हो चुका होगा, अब अगला टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का किस पे, शून्य मूल पे। चलिए, टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण के प्रकार। तो सबसे पहला समझो, पहले हम लोग करा था कि निम्नलिखित में कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको समझा था। अब आज देखते हैं कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के प्रकार। तो पहला है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि शुद्ध द्विघात समीकरण, सेकेंड है अनअफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन
मतलब मिश्रित द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले समझो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म पे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए इक्वल नॉट जीरो, ये था। तो पहले समझो कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि शुद्ध द्विघात समीकरण, तो पहले समझो जिसमें बी वाला टर्म नहीं हो, जिसमें बी वाला टर्म नहीं हो उसको क्या बोलेंगे, शुद्ध द्विघात समीकरण। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस सी यानी कि पिछला वाला टर्म क्या हो, जीरो हो, बी वाला टर्म जीरो हो, उसको बोलेंगे शुद्ध द्विघात समीकरण। कोई कन्फ्यूजन है, जिसमें पिछला वाला टर्म जीरो हो उसको बोलेंगे शुद्ध द्विघात, अरे पिछला वाला टर्म जीरो होगा उसको बोलेंगे शुद्ध द्विघात समीकरण। इसमें होगा ए इक्वल नॉट जीरो, बी इक्वल जीरो, ये हमारा क्या होगा, शुद्ध द्विघात समीकरण यानी कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल जीरो, यानी कि ए इक्वल जीरो नहीं होगा, बी बराबर जीरो होगा। हर एक हाल में ये समझ लो एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो ये क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर माइनस टू, ये भी शुद्ध द्विघात समीकरण है। क्या कोई कन्फ्यूजन, बी वाला टर्म यानी कि एक्स वाला टर्म, एक्स का पावर अगर वन होगा वो टर्म दिया नहीं हो, जैसे मान लो टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यानी कि एक्स का पावर वन है कि नहीं, डिग्री वन है, ये वाला टर्म रहेगा तो शुद्ध द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। क्या बी जिसमें एक्स का पावर वन वाला टर्म नहीं रहेगा उसको क्या बोलेंगे, शुद्ध द्विघात समीकरण, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस सी के रूप में रहेगा उसको बोलेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई कन्फ्यूजन, चलिए हाँ अगला पे आइए। नेक्स्ट है दूसरा, ये पहला के लिए एग्जांपल था एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब मिश्रित द्विघात समीकरण जिसमें तीनों टर्म हो। जैसे ये वाला हो गया हमारा क्या, मिश्रित द्विघात समीकरण, एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि बी वाला टर्म भी हो, एक्स का डिग्री वन भी हो, उसको बोलेंगे मिश्रित द्विघात समीकरण। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, तीनों टर्म मौजूद हो, यानी कि एक्स वाला टर्म भी हो, डिग्री वन वाला टर्म भी हो, उसको बोलेंगे मिश्रित द्विघात समीकरण। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये भी यही मान लो, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म मिश्रित द्विघात समीकरण के जैसा ही होगा। कोई कन्फ्यूजन है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इतना ही तक करके छोड़ दिया, ये भी मिश्रित द्विघात समीकरण है, मिश्रित द्विघात समीकरण है, क्योंकि हमको कांस्टेंट टर्म से कोई मतलब नहीं है, इसमें एक्स का पावर वन वाला भी होना चाहिए। आप कोई कन्फ्यूजन, चलिए नोट करिए और ध्यान रखना कि एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए इक्वल नॉट जीरो होगा और बी इक्वल भी नॉट जीरो होगा, तब कहलाएगा मिश्रित द्विघात समीकरण, मतलब दोनों टर्म इसमें मौजूद होना चाहिए।